ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तब कीजिए, जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है। जब वो किसी और से बात करती है तो एंजाइटी होती है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में पीटने का, पनिशमेंट का ये सिस्टम जो है खत्म हो गया है। हम आपके वीडियो में देखे हैं सर कि आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं, पुलिस वाला लाठी है वो, पुलिस वाला लाठी है, और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से धुनाई शुरू कर देते हैं मस्त एकदम से, है ना। तो सर मतलब कि बच्चे मतलब कि डरते नहीं आपसे, और इस तरीके से कैसे कनेक्टेड हैं आपसे, है ना। और एक और क्वेश्चन सर, यूपीएससी का जो आप अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में बताइए सर, क्योंकि मुझे मतलब कुछ इशू करना है सर, ठीक है। और संदीप सर को देख लिए, मेरा तो वैसे ही हो जाना है। क्या हो जाना है मेरा, पूरा कंप्लीट करो। I'll be an IAS officer next year because I have seen you sir. My day is like complete sir. All the best. Thank you so much sir. Thank you. पूरा बोला करो। Thank you. देखिए, लड़कों को जहां तक पीटने की बात है, जब पढ़ाने की बात आएगी तो उसको हम पूरे बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, लेकिन जब सजा देने की बात आएगी ना तो वो भी बेहतरीन ढंग से होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि बस एक ही चीज बेहतरीन ढंग से होगा। और डर का होना बहुत जरूरी है। ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना तो डर के भागिए मत। एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है, फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे। आप तो लड़कों के अंदर ये डर बनाना भी जरूरी रहता है। और रही बात यूपीएससी वाले की, जो आपने बोला, बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी की, क्योंकि 2-2.5 लाख फीस सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारा वही रहता है, हम तो ज्यादातर हमारे स्टूडेंट देखेंगे तो किसी के रिक्शा वाला, सब्जी वाला, यही लोग, इनको तो 2.5 लाख रुपया, इनके पास पूरी संपत्ति नहीं होती है, फीस कहाँ से भरेंगे वहाँ पे, उसके रहेंगे कहाँ से। तो ऑल ओवर इंडिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है। यही कुछ 1000 रुपये मंथली 12-14 हज़ार साल का पड़ेगा, खत्म हो जाएगा इतना में। ये जो डंडे वाली बात इन्होंने कही, ये सच है? मतलब आप सच में एक डंडा रखते हो? पुलिस का ही है वो, और मारते हो? हाँ, कि मतलब अगर कोई लड़की छेड़ता है या ऐसा कोई भी उल्टा पुल्टा पढ़ाई लिखाई कुछ भी गलती करेंगे तो पिटाएंगे वो यहाँ पे कैमरे पे, ऑन कैमरा जैसा भी रहे, कुछ भी पिटाना तो उनको फिक्स है। एक तो कोई मतलब विधायक जी थे, उनके लड़का को पीट दिए, तो चला दल बल लेके अपना वहां पे। उसने घर पे नहीं बताया था कि सर ने पीटा है, बस बोल दिया कोचिंग में पीटा है। बाद में पता चला हम पीटे हैं तो उसके पिताजी मेरे सामने और पीटे। सर आपका सबसे बड़ा डर क्या है आप दोनों का? फौजी को डरे नहीं लगता है। आपकी डेली कितने घंटे क्लासेस होती है? 6-7 घंटे। अभी भी खुद ही करते हो आप? हाँ, हमारे स्टाफ परेशान रहते हैं। हम 1:30-2 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, परेशान रहते हैं। अरे इतना क्यों करते हो, है ना? कभी तो उनको भी साथ-साथ लगना पड़ता है ना? उनको साथ-साथ लगना पड़ता है। हम जग गए तो कोई सोया थोड़ी रहेगा, परेशान रहते, दिन में सोते ही नहीं है बेचारा, कहीं कहीं जाके सोते रहता है। हम सीट बांध दिए, भाई तुम इस समय सो जाना, तुम इधर सो जाना। आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई अभी। मेरी खुशहाली देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। So, यहाँ पे सब हिंदी में पूछते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं, भोजपुरी में पूछो, जोन भाषा ठीक लगे तोने में पूछ दो। सर ये पूछे के चाहते नहीं कि जैसे हमने के पढ़ाई करी नहीं सर, तो कभी कभी डेली टारगेट्स जो होला वो कंप्लीट ना होला, अगर टारगेट्स कंप्लीट भी होला तो फिर ऐसा इरिटेशन या फिर वो एंजाइटी या फिर कि और करना है या फिर अभी नहीं हुआ वो चीज हमेशा रहला, तो वो कम कैसे करल जाए? देखिए टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर ले। कोई लड़का 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया, उसको देख के 8 घंटा पढ़ेगा तो पढ़ाइए छोड़ देगा। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक घंटे को बना लिया कि हम 1 घंटा पढ़ सकते हैं, अगले 1 हफ्ते तक उसको सस्टेन रखिए। जिम में कैसे करते हैं लोग, पहले दिन उठा लीजिएगा 1 क्विंटल तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए। हर इंसान की क्षमता अलग है। कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा, पैर तोड़ के बैठ जाएगा।
अब संदीप सर का मोटिवेशन देख के इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएंगे, ढकेल देंगे तुमको। हालांकि ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करिएगा लोग नहीं, क्षमता पता होना चाहिए। आपके अंदर एंजाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है, आप ये नहीं कह रहे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर मेरे को एंजाइटी हो रही है, आप ये कह रहे हो मैंने काफी कुछ कर लिया है फिर भी एंजाइटी हो रही है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर आपके अंदर ये एंजाइटी हो रही है, दैट मीन्स यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं उनको पढ़ने के नाम से एंजाइटी होती है। तो आपको एंजाइटी हो रही है कि मैंने पढ़ लिया, दिन में मानो 8 घंटे का आपने टारगेट सेट किया और 6 घंटे पढ़ लिया, या मान लो 8 घंटे भी पढ़ लिया फिर भी एंजाइटी हो रही है कि मैंने 10 घंटे नहीं पढ़ा। तो ये तो अच्छी क्वालिटी है ना, ये तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की क्वालिटी है, क्योंकि एंजाइटी उसी को होती है जो केयर करता है, जिसको परवाह है, उसी की तो एंजाइटी होती है। जैसे माँ को अपने बच्चे की, जैसे एक माँ को अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है। हंस लो मजाक उड़ा लो मेरे। कोई बात नहीं, एडिट कर देंगे इसको हम। जैसे एक माँ है उसको अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है, थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए उसको एंजाइटी होती है, चाहे बच्चा ठीक भी है, डॉक्टर को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि माँ को उस बच्चे से प्यार है। तो दैट मीन्स कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो, इस वजह से आपके अंदर एंजाइटी हो रही है, विच इज नॉर्मल। जहां पर प्यार मोहब्बत होती है वहां पर थोड़ी बहुत एंजाइटी तो होती ही है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप लोग समझ रहे हो ना मैं कहां जा रहा हूं? जब वो किसी और से बात करती है तो एंजाइटी होती है ना। सर आपकी स्टोरी हमने सुनी थी, तो एक टाइम आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गए थे, उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उस समय मतलब आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि अब आगे नहीं, यहाँ से वापस जाना है? रास्ता ही नहीं था, घर जाने के लिए एटलीस्ट 90 रुपये चाहिए थे, जेब में 40 रुपये थे, कैसे घर जाते हैं? और हम गंगा के किनारे चुपचाप बैठे बैठे हम कहें कि अब बहुत टेंशन हो गया, अब घर जाना चाहिए, रूम पे, तो किराए के रूम पे ही आदमी सारे लोग रहते हैं। गए वहाँ पे तो रूम लॉक हो गया था, तो हम खटखटाएं तो ऊपर से गुस्सा से बोले जो ऑनर थे, क्या टाइम हो गया है? तो हम कहें 9-10 बज रहा होगा, घड़ी देखिए तो 2 बज रहा था रात का, 2:30 बज गया था वहाँ, टेंशन में आप। तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जो बातें आपने बताई कि घर में प्रॉब्लम्स ये वो, ये तो बहुत लोगों ने फेस करी वहाँ पर, आप अकेले नहीं है, बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम्स फेस करी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखी, बहुत तरह की स्ट्रगल्स देखी, लेकिन वो सब इतने कामयाब नहीं हो पाए जितने कि आप हुए। तो आपके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ है जो औरों के अंदर नहीं है, तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो ऐसा क्या था जहाँ से कि आपका दिमाग यहाँ तक सोच पा रहा है कि मैं पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल का चेंज लेकर के आ सकता हूँ, एजुकेशन फील्ड में रेवोल्यूशन लेकर के आ सकता हूँ, ये सोचना ही बहुत लोगों के बस का नहीं है। मेरी एक खुद की थिंकिंग, अगर हमको कोई 100 रुपये किसी काम के लिए दिया, हम सबसे यही करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उसे 200 का रिटर्न दे। अगर कोई हमसे 200 रुपये फीस दे रहा है, 250 दे रहा है, तो हम उसको ये कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं भैया हमने 10-20 हज़ार का पढ़ लिया यहाँ पर, वो ईमानदारी से कभी कमी नहीं। और हमेशा अगर हम प्रॉमिस एक्स का करते हैं तो डिलीवर 4x करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इस फर्क को, अगर आप समझ पाए तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में। एक वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमें कुछ भी करना ना पड़े। दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की जिनको जितना मिलता है उसमें भी चोरी चकारी करते हैं, या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को जितना कि हमें मिल रहा है। तीसरी कैटेगरी होती है लोगों की जो इनके जैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने किसी से 1 रुपये भी लिया, देखा जाए तो 200-250 रुपये कुछ भी नहीं होता है, 200-250 रुपये अगर मैंने लिया तो कैसे उसको 400 रुपये की वैल्यू दूं। ये जो थिंकिंग है ना, यही एक फर्क होता है एक ऐसे इंसान में जो बहुत आगे निकल जाता है और उस इंसान में जो मीडियोकर रह जाता है। आप अपने आप को अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है सर, ये आपने अभी बनाया है या ये कोई पुराना आपका वो है? बनते रहता है, इसे फ्लो फ्लो में बन जाता है। आपके अंदर ना सर एक कवि छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, जो बाहर आना चाहता है। कभी ना कभी आपने सोचा होगा कुछ? हाँ, कभी कभी। देखिए, एक चीज़ है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये चीज़ को हमेशा, संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं। संगति का मतलब होता है संग संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी होता है।
बट अपने आप को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम केवल जी के मर जाएं इसके लिए नहीं आए हैं। लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते अपना, हमारी एक ही सोच है कि जाने के बाद इस दुनिया से हमको मतलब एक चीज़ देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि वो याद करें कि इस पैसे की भाग दौड़ की दुनिया में हर कोई दोनों हाथ से लूटने में लगा है, खाली हाथ जाने के लिए ये सबको लगा है। तो हर कोई को ये सोचना चाहिए कि था कोई इंसान जो इतने कम फीस में इतनी शिक्षा जो महंगी थी, जो कमाने का रास्ता था, उसको भी एकदम कंपटीशन इतना कर दिया कि अब लोगों को अपनी फीस बढ़ाने में डर लगता है कि अरे यार लड़का कमेंट करता है कि खान सर इतना ले रहे हैं आप, बहुत बड़ा टीचर हो गए। खान सर की एक क्लिप है, ये समय और समझदारी में बहुत फर्क होता है। अगर समय रहते समझदारी आ गई तो इंसान कामयाब हो गया, लेकिन अगर समय चला गया फिर समझदारी आई फिर तो बेकार है। तो सर मतलब कुछ आपको ऐसी चीज़ लाना चाहिए जो मतलब बच्चों जो तैयार हो रहे हैं उनको ये चीज़ें मतलब एंड टाइम पर दिखे। समझ रहे आप मेरी बात? नहीं समझ यही होता है सर, नहीं सर का मोटिवेशन ज्यादा हो जाता है। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीज़ों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए इस पिजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, बहुत मजा आया मेरे को आपके साथ में इंटरेक्ट करके, आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा।